आंटी, दूसरी शादी करना के गुना है। और मेरे भाई के पास इतना पैसा है, वो दो बीवियां क्या, वो तो चार बीवियां रख सकते हैं। और जहां तक मुझे पता है, ईशा तो हमेशा से मेरे घर आने का ख्वाब देखती आई है, हमेशा से मेरी चीजों को हसरत से देखती आई है। इस तरह ईशा का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और मेरे भाई की ख्वाहिश भी। पसंद आ गई है मेरे भाई को। देखो बेटा, तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आंटी, आपसे इजाजत ले कौन रहा है? मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज से ईशा इजलाल भाई की है, और अब ठीक 15 दिन बाद हम ईशा का निकाह करा के इसे यहाँ से ले जाएंगे। खुदा हाफिज। किस कदर घटिया बात करके गए हैं ये लोग। मैं कहती थी ना, इन लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं। अब देख लिया अंजाम। तो सोच भी नहीं सकता था ये लोग इस कदर गिर जाएंगे। मुझे अंदाजा था कि ये कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगे। अरे, इन्हें दूसरी शादी के लिए मेरी बेटी नजर आई थी। देखती हो तुमने भाग भाग कर उनके घर जाने का नतीजा, जिसे तुम अपना भाई कहती थी ना, आज तुम्हारे रिश्ते का दावेदार निकला। हम इस रिश्ते से इनकार करेंगे। अम्मी, फॉरम लोगों ने नेक्स्ट वीक आना, उन्हें कल ही बुलाया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से जान छोड़ देंगे हमारी? देखा नहीं कैसे हुक्म देकर गई है कि हम 15 दिन बाद आएंगे और निकाह करके ले जाएंगे। अम्मी, कुछ तो करना होगा ना। फौज और याजिन जाओ।